एक्सपीरियंस बहुत। यस रश्मि जी, आपका स्वागत है। थैंक सोल्स गिफ्ट में से आपने चैप्टर चूज किया है अपने लिए, केयर गिविंग। आप आए और यस उसके बारे में बताएं कि केयर गिविंग क्या है। यस मैम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ध्यान के बाद ज्ञान की इस कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर योर सोल्स गिफ्ट के चैप्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आसपास हमारे जो भी घटनाएं घटित होती हैं और जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, उन सबके एक बिगर पिक्चर को, उन सबको एक बड़े नजरिए से देखने की और समझने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक जैसा कि सुप्रीत जी ने हमें इस बुक का इंट्रोडक्शन भी दिया और हमें ये बताया कि कैसे एक आत्मा जो है वो अपने सोल लेवल पे सब कुछ प्लान करके ही इस धरती पर आती है और यहाँ अपना रोल कैसे वो प्ले करती है। और फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए समेहा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इसके हीलिंग चैप्टर के बारे में बताया कि कैसे एक आत्मा जो है खुद को कितने लेवल्स पे हील करती है। एक आत्मा जो है वो बहुत सारे लेवल्स पे खुद की हीलिंग करते हुए आगे बढ़ती है और खाली फिजिकल लेवल पे नहीं होता फ्रेंड्स, ये इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल हर लेवल पे एक आत्मा की उन्नति होती है और वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है फॉरगिविंग या देखभाल करना। हमारे घर में भी ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम लोग चाहे सिंगुलर फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में, या फिर हम अगर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे ही परिवार का कोई सदस्य जब बीमार पड़ जाता है, उसे कुछ बीमारी हो जाती है या कोई रोग हो जाता है, तो हम लोग जो है शुरू शुरू में तो बहुत खुशी खुशी उस व्यक्ति की सेवा कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमें इसकी बहुत अच्छे से सेवा करनी है, इसका बहुत ध्यान रखना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर ना करे वो बीमारी अगर बहुत लंबी खिंच जाती है या वो कोई ऐसा ईश्वर ना करे रोग बन जाती है कि जो कि लाइलाज होता है, और तो उस पॉइंट पे आके हम जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारे अंदर एक सेवा तो हम कर रहे होते हैं पर एक गुस्से का भाव भी रहता है मन में कि मैं ही क्यों करूं इस बीमार व्यक्ति की सेवा, कि मेरे ही कर्मों में इस बीमार व्यक्ति की सेवा का बोझ क्यों आ गया है। परिवार का कोई भी सदस्य मेरी मदद नहीं कर रहा या जो है मेरे ऊपर ये सारा बोझ है, कोई मेरी बात नहीं समझता, तो हमें ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती हैं और कोई भी मेरा हाथ नहीं बटाता है, तो इन सब चीजों से हम और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कई बार हमारी फैमिली रिलेशंस और खराब हो जाते हैं फैमिली के साथ। तो फिर हम जो कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जब कोई बीमार व्यक्ति हमारे घर में ना हो के हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ ऐसा होता है और या किसी हमारे फ्रेंड्स के यहाँ होता है, तो हम उन्हें भी मिसगाइड करते हैं, उन्हें भी गलत एडवाइस देते हैं कि तू ये इस झंझट में क्यों पड़ी है, तू इनके लिए कोई मेड रख दे फुल टाइम की या कोई नर्स रख दे जो इनकी सेवा कर दे, और तुमने ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बीमार व्यक्ति की ले रखी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम जो है आउट ऑफ लव भी करते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं हम अपने फ्रेंड्स की या रिलेटिव की, बट एक्चुअली में हम उन्हें जो है मिसगाइड कर रहे होते हैं, हम उन्हें रोक रहे होते हैं उनके कर्मास को बैलेंस करने से कि वो अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना चाहते भी तो कई बार हम उन्हें रोक देते हैं ऐसा कह के। तो फ्रेंड्स, हम उन्हें ऐसी एडवाइस देकर गलत कर रहे होते हैं, बट आज जो है इस चैप्टर के थ्रू हमें यही समझना है कि इस धरती पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब हम प्री प्लान
करके ही इस धरती पर आए हैं और हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ भी अचानक से या आकस्मिक नहीं हो जाता, ये सब प्री प्लान्ड होता है फ्रेंड्स। और अगर हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो हमें यही समझना है कि हम उसकी सेवा करें और अपने इस रोल को बहुत अच्छे से निभाएं। तो ये रोल हमने फ्रेंड्स खुद ही चुना है अपने लिए। तो हम ये कहते हैं कि यस मैं इस जन्म में जाऊंगा, हमने ये सोल लेवल पे डिसाइड कर लिया होता है कि मैं इस जन्म में जाऊंगा और इस बीमार व्यक्ति की जो हमारे घर में है या जो भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है उसकी सेवा करके अपने इतने इतने कर्मों का मैं बैलेंस करके आऊंगी या आऊंगा और उन अनुभवों से भी मैं गुजरूंगी जिनका मैंने कभी भी पास्ट लाइफ में उल्हाना करी थी उस जन्म में, उन्हें निग्लेक्ट करा था या उन्हें समझने से मैंने इनकार कर दिया था उस जन्म में कि उस जन्म में मैंने नहीं करा उसके साथ ऐसा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कारण होते हैं, अनंत कारण होते हैं जिसकी वजह से एक आत्मा खुद के लिए इस तरह का रोल चुनकर इस धरती पर आती है। वो खुद ये अनुभव करना चाहती है कि यस वो पेन कैसा होता है कि जिस पेन में सामने वाला व्यक्ति है। और इससे फ्रेंड्स हम एम्पैथी यानी कि संवेदना का पार्ट भी, संवेदना का लेसन भी सीखते हैं और अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। तो फ्रेंड्स एक आत्मा दूसरी आत्मा की देखभाल जो चुनती है वो क्यों चुनती, इसे हम और अच्छे से जानेंगे रॉबर्ट श्वार्ट्ज के बुक योर सोल्स गिफ्ट के चैप्टर केयर गिविंग से। सो फ्रेंड्स इसमें इसके हम एक ट्रू लाइफ स्टोरी है इसमें जो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे बुक की। उसमें बॉब है 70 वर्षीय पुरुष हैं वो, और कैथरीन जो उनकी वाइफ है वो पिछले 14 सालों से जो एल्जाइमर्स नामक एक रोग होता है जिसमें कि याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है व्यक्ति की, उनकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे इस बीमारी में कम हो जाती है। तो वो इस रोग से पीड़ित हैं पिछले 14 वर्षों से। इसमें बहुत ही बंदा एक पर्सन जो है कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है, वो कुछ भी सोच समझ नहीं पाता और अपने ही दैनिक काम खुद नहीं कर पाता और उसको ऐसा भी लगने लगता है कि मृत्यु का भय, खासकर अपने जो आसपास के लोग होते हैं उसके, उससे ही उन्हें मृत्यु का भय हो जाता है कि ये मुझे किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह के ऐसे विचार हो जाते हैं उस व्यक्ति के और वो बहुत ही कंफ्यूज में स्टेट में और एंजाइटी में जीने लगता है। तो अब पिछले 14 सालों से बॉब जो है सेवा कर रहे हैं अपनी पत्नी की कैथरीन की। तो इसी बीच में उनका रुझान जो है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाता है और वो इस कॉन्सेप्ट को तो समझते हैं कि हाँ केयर गिविंग मुझे करनी है, उस चीज पे उनका विश्वास है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि मुझे क्यों करना है। तो अब हम इस स्टोरी में थोड़ा पीछे चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा पास्ट में चलते हैं जब कैथरीन और बॉब एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वो एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद बॉब जो है वो एक कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पे काम करने लगते हैं और कैथरीन जो है वो एक स्कूल टीचर होती हैं। वो एक बहुत ही स्मार्ट और एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ होती हैं, तब बहुत अच्छा उनका बिहेवियर होता है। तो इन दोनों की फिर लव मैरिज होती है, इनके 3 बच्चे होते हैं। तो बॉब का जॉब ऐसा था कि उसे कई बार सिटी से बाहर रहना पड़ता था, शहर से बाहर वो मोस्टली ट्रैवलिंग में रहते थे। तो फिर कैथरीन जो है पीछे बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करती हैं, अपनी सारी ड्यूटीज वो बहुत अच्छे से फुलफिल करती थी। अब ऐसा होता है धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं और उनकी बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ वो दोनों लीड कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ। फिर एक बार ऐसा, फिर जो है बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनकी मैरिजेस हो जाती हैं और जैसा कि फॉरेन में मोस्टली कल्चर होता है कि सब बच्चे अपनी अपनी लाइफ में
अलग अलग जाके सेटल हो जाते हैं तीनों बच्चे। तो अप्रैल 1994 की बात है, जब अब बॉब जो है वो रिटायर हो चुके हैं और कैथरीन और बॉब एक शादी में जाते हैं तो कैलिफोर्निया। तो वहाँ पे मैरिज के बाद वो दोनों अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे होते हैं। तो उससे पहले वो कहीं डिनर करने बैठे होते हैं। तो डिनर करते हुए उसको याद आता है कैथरीन को कि वो अपनी कुछ मेडिसिन जो है वो भूल गई है। तो वो बॉब से कहती है कि क्या तुम मेरी मेडिसिन ला दोगे बॉब। और वो कोई नर्व्स की मेडिसिन खाती थी, कई सालों से वो खा रही थी। तो वो उसकी मेडिसिन ला देते हैं और वो मेडिसिन खाने के बाद डिनर करके आराम से कैजुअली वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, इधर उधर की बातों में वो लगे होते हैं। तो एकदम से बॉब जो है वो नोटिस करता है कि कैथरीन जो है वो उसकी बातों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो एकदम बुद्ध सी बन गई। तो उसे बहुत उसे वो हिलाता है, कैथरीन कैथरीन ऐसे करके आवाज़ लगाता है। तो वो कुछ बोलती नहीं आगे से, एकदम स्टिल हो जाती है। तो बॉब बहुत घबरा जाते हैं और उसे लेके वो बहुत जल्दी जल्दी में हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो फिर डॉक्टर्स उस पर बहुत सारे चेकअप्स करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि ये क्या प्रॉब्लम है। ये वो हार कर बॉब जो है उन्हें वापस अपने घर ले आते हैं। अब जो है कैथरीन जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह बन गई है। उसने उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो उसको पिछले 15 सालों से शायद उसने कभी खाना भी नहीं बनाया और वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी और बूढ़ी दिखने लगती है। और सारा जो घर का कामकाज होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो बॉब के सिर पर आ जाती हैं। अपनी वाइफ को वॉशरूम लेके जाना, नहलाना, घर का सारा काम करना। तो इस वजह से बॉब जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगते हैं। वो काम तो कर रहे होते हैं बट अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन होती है उनके मन में, क्योंकि ऐसी जो बीमारी में होते हैं फ्रेंड्स, तो उनको वो बहुत तरह से कई बार इरिटेट भी कर देते हैं जो उसके जो उसकी केयर गिविंग कर रहा है उस बंदे उस पर्सन को देखे। तो फिर एक बार कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब बॉब को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसा होता है कि इसमें एक एंग्जाइटी की मेडिसिन लेती थी कैथरीन, जो उन्हें दिन में एक बार लेनी होती थी, पर वो मेडिसिन जब बॉब उन्हें मॉर्निंग में ही दे देते थे, उसके बाद भी वो कई बार दिन में उनसे कह देती थी कि नहीं तुमने मेरी मेडिसिन नहीं दी। तो इस तरह से बॉब बहुत गुस्सा हो जाते थे और उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। तो एक बार ऐसा ही होता है कि आधी रात के टाइम कैथरीन जो है पुलिस को फोन कर देती है। और पुलिस आती है तो वो बॉब से पूछती है कि आपने क्या अपने घर में एक युवती को आपने अपने स्टोर रूम में बंद करके रख रखा है। तो बॉब बहुत हैरान हो जाते हैं इस बात से। तो कई बार कैथरीन ने ही इस तरह से फोन करा होता है, क्योंकि वो बहुत ही इस बीमारी में शक और डर की उससे गुजर रही होती है। तो ऐसा पुलिस तलाशी करती है, कुछ भी नहीं होता है तो वो चली जाती है पुलिस। तो इससे बॉब को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट आती है। तो अब इसी दौरान जो है एक बार बॉब को कन्वर्सेशंस विद गॉड बुक मिलती है बाय नील डोनाल्ड वॉल्श। वो उस बुक को पढ़ते हैं और उन्हीं की और कई सारी बुक्स 9 बुक्स वो करीब पढ़ लेते हैं। और उसके बाद वो गैरी जुकाव और ब्रायन वेस्क की बहुत सारी ऐसी स्पेशल बुक्स पढ़ते हैं। ब्रायन वेस्क की मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, सेम सोल मैनी बॉडीज, मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, इस तरह की वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं और साथ साथ वो मेडिटेशन भी करने लगते हैं। तो उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है कि केयर गिविंग जो है इसका प्री बर्थ प्लानिंग से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। वो इस चीज़ को समझ जाते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि इन्हीं कारणों से कैथरीन ने अपने आप को इस जीवन में असशक्त करा है। उसने अपने आप को इनकैपेसिटेट करके इस बीमारी को चुन के वो खुद को मेरे को और खुद को कुछ सीख देने के लिए, हम दोनों की आत्मा की उन्नति के लिए कुछ लेसन्स एक दूसरे को सिखाना चाहते हैं, इसलिए वो इस जन्म में इस तरह से उसने ये बीमारी चुनी।
तो फिर वो जो है घर का जो काम होता है उसे थोड़ा बहुत डिजायरेबल वे में करने लगते हैं, उन्हें अब थोड़ा कम गुस्सा आता है। पर फिर भी वो ये जानना चाहते थे कि ऐसा उन्होंने क्यों करा, ऐसी क्या अपनी बर्थ प्लानिंग थी जिसके लिए उन्होंने एक दूसरे को इस रूप में, पति पत्नी के रूप में इस जन्म में चुना है। तो फिर वो एक, जैसा पहले बताया गया, एक बारबरा नाम की लेडी है जो कि एक चैनलिंग मीडियम है, जिन्हें चैनलिंग होती है एरन से। एरन जो एक है हाईली इवॉल्व सोल है। ना ना पता है, वो मुझे भी पता है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर। फ्रेंड्स, फिर बॉब जो है वो जाते हैं बारबरा के पास, और बारबरा जो है एक चैनलिंग मीडियम है, और जो एरन है उन्हें उनकी चैनलिंग होती है, तो एक हाईली इवॉल्व सोल है एरन। वो रॉबर्ट श्रॉस के साथ जाते हैं बारबरा के पास, और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे पास लाइफ के कर्मास हैं जिसकी वजह से वो पति पत्नी के रूप में इस जन्म में ऐसा कर रहे हैं। एरन उन्हें बताते हैं, बारबरा के थ्रू चैनलिंग होती है, वो ये बताते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स देख के। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो देख सकते हैं एरन। तो वो बारबरा के थ्रू चैनलिंग करके ये बताते हैं कि आप दोनों ने अपने बहुत सारे पास्ट लाइफ के कर्मास को तो रिजॉल्व कर लिया है इस जन्म में, और ये भी बताते हैं वो कि हमारे जो धरती पे आने का प्राइमरी या मेन रीजन होता है वो खाली कन्वीनियंस या कंफर्ट ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर अपने कर्मास को रिलीज करने, बैलेंस करने और अच्छे पैटर्न्स को भी डेवलप करने के लिए अपनी पर्सनालिटी में आते हैं। तो वो उन्हें उनकी पास्ट लाइफ के दो बर्थ बताते हैं, दो जन्म बताते हैं, जिसमें एक जन्म में उल्टा होता है। कैथरीन जो होती है वो हस्बैंड है, और बॉब जो है वो वाइफ है। तो उनके उस जन्म में भी तीन ही बच्चे होते हैं, पर उनका एक बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र में पोलियो से ग्रस्त हो जाता है। तो उसकी वजह से बाकी दो बच्चों की जो परवरिश होती है उसमें उन्हें बहुत दिक्कत आने लगती है। तो उनकी इस वजह से उन पति पत्नी में भी संबंध बहुत खराब हो जाता है। तो वो जो है ये फैसला करते हैं कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे। जो हेल्दी बच्चे हैं वो जो है, जो उस जन्म में कैथरीन है, जो उस जन्म में उसके हस्बैंड है, हस्बैंड के पास चले जाते, वाइफ के पास चले जाते हैं, और जो हस्बैंड है बॉब, वो जो उस जन्म में वाइफ है वो ले जाता है विकलांग बच्चे को। तो उसको वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है बॉब को इस जन्म में, कि उस जन्म में मैं माँ की और मैंने उस विकलांग बच्चे की अकेले परवरिश करी, उसकी सेवा करी, और ये जो वाइफ है जो इस जन्म में बॉब है उसने कुछ नहीं करा। तो और दूसरे बर्थ में वो ये बताते हैं एरन उनको कि कैथरीन जो होती है उस जन्म में मदर होती है, और बॉब जो होता है उसका बेटा होता है। तो जो बेटा होता है उसके फादर की 16 साल की उम्र में, मतलब कोई और है फादर इस जन्म में, तो उनके हस्बैंड की कैथरीन के उस जन्म में 16 साल की जब उनका बेटा होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है हस्बैंड की। और जो कैथरीन है वो भी एक एक्सीडेंट में हाफ पैरालाइज हो जाती है। अब जो बॉब है जो इस जन्म में बेटा है पास्ट लाइफ में, तो वो जो है अपनी माँ की बहुत अच्छे से सेवा करता है, बहुत ही ज्यादा कंपैशन के साथ बहुत उसकी सेवा करता है, और बहुत ही ख्याल रखता है, सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता है, कमिटेड रहता है अपनी फैमिली मदर के लिए। तब जब वो बेटा और बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है तो उसका जो टेंशन है अब दो लोगों में बढ़ चुका है, अपनी वाइफ और मदर में, और उसके अंदर अब रिजेंटमेंट की थोड़ी भावना आ गई है, माँ के प्रति आक्रोश आ गया है उसके मन में, उसकी बीमारी से वो परेशान होता है और उसे उतना प्यार नहीं दे पाता, देखभाल नहीं कर पाता। तो वही सारे कर्मास को बैलेंस करने के लिए इस जन्म में वो दोनों पति पत्नी बन के एक दूसरे को लव, कंपैशन, टॉलरेंस और पेशेंस का लेसन सिखाने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, वो ये भी जानना चाहते हैं बॉब कि ये सब कुछ जो है रिटायरमेंट के बाद ही क्यों हुआ,
पहले क्यों नहीं हुआ, तो वो बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इसलिए हुआ क्योंकि अगर यंग एज में होता तो बॉब के पास ऑप्शन था कि वो सेकंड मैरिज करके कैथरीन को छोड़ सकता था और वो कर्मा सिर्फ वहीं पे अधूरे रह जाते हैं। और वो ये भी जानना चाहता है कि बच्चे, और ये भी होता है कि अगर उस समय होता तो वो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते, बच्चों की देखभाल में परेशानी आती, पर बच्चों का इन कर्मास के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए जब बच्चे बड़े हो गए, अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गए, तब उनके साथ ऐसा होता है। फ्रेंड्स, हमें जो है, जो केयर गिवर होता है उसको नाराजगी होना या दूसरे के प्रति जो है उसको जो है गुस्सा आना, ये कोई बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं, वो भी उस पोजिशन से गुजर रहा होता है कि अपने आप को उसमें इस तरह से हेल्पलेस बना के वो हमें आया है इस जन्म में। तो हमें यही सीखना है कि उस बीमार व्यक्ति के प्रति हम जो है संवेदना रखें, दया रखें, और हमें खुद के लिए भी यही लेसन सीखना है कि हम करुणा, दया और नम्रता के साथ उसकी सेवा करें। और हमें कई बार ऐसा होता है जो बीमार व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है या, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है, तो हमें उसको पेशेंस के साथ, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ उसकी केयर गिविंग करनी है उसकी। तो फ्रेंड्स, जीवन के इस पार्ट को सीखने के लिए केयर गिविंग के जैसा कोई भी विकल्प नहीं हो सकता, और अगर हम ये सीख जाते हैं तो हम अपने कर्मास को यही बैलेंस कर देते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर पूरा हो जाता है और हमारी आत्मा की उन्नति होती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत अच्छा रश्मि, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया आपने, चैप्टर समझाया, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, सुप्रीत भी थैंक यू बोल रहे हैं, अभी मुझे लगता है जस्ट अभी उसको जाना पड़ रहा है, पता नहीं निकल गया कि नहीं, भी बात ही हो रही थी उससे, तो उसका पीएमसी हिंदी में ना आज एक वो है किसी बुक पर, वो लोग बोल रहे हैं चैप्टर है, पता नहीं अभी है कि चला गया, बहुत सुंदर था, जस्ट अभी एक मिनट हुआ उसने, सेकेंड ही में होंगे बल्कि, और कह रहा था कि बहुत अच्छा बोल रही है रश्मि जी, आप मुझे बता देना मम्मी मेरी तरफ से, इतना भी कहा ही है उसने, थैंक यू मैम, कि चला गया, बहुत सुंदर, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू, बहुत प्यार से बताया आपने, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। वेल डन रश्मि, थैंक यू मैम। कमलेश जी अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी, और भी कुछ कहना चाहता है, ये पूछना चाहता है, ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अब अपना आप कर सकते हैं। थैंक यू रश्मि जी, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, देखा मतलब ये पिछले जन्मों के ही देखो कर्मा है, बैलेंस करने के लिए हम आते हैं, या क्यों कह दीजिए कि हम सीखने आ रहे हैं, एक्सपीरियंस हमें लेना है इस तरीके का सर, तो हम कैसे करते, पिछले जन्म में अगर उन्होंने करा है और उनके पास नहीं हुआ मिला, मतलब वो करते रहे उसका वाइफ की अपनी कर रहे सेवा, पर वाइफ ने नहीं करी, तो इस जन्म में वो आए हैं वापस जन्म लेकर के, कि इस बार मतलब उल्टा होगा कि वो करेगी और मैं करवाऊंगा सेवा, तो ये पहले से लिखित है, तो इसलिए मन में गिल्ट ना ले, ना कभी कोई हमारे हिस्से कोई अगर ऐसा आ जाए परिवार का सदस्य, हमें सेवा करनी पड़े, बड़ा बूढ़ा या कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई मतलब कोई स्पेशल चाइल्ड बन के भी आ सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती, कोई भी हो सकता है, तो अब उतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जान गए कि वो अपना लेसन ले रहा है और आपके लिए कुछ कर्मा बैलेंस करने हैं साथ में, और इसी बहाने हम सीख भी रहे होते हैं, तो दोनों बातें हो जाती हैं। यस सरिता जी, अनम्यूट करके बताएं कुछ कहना चाह रही हैं। संगीता कपूर, रिचा का है और तो नहीं दिखता किसी का, संगीता जी भी कर रही है, अच्छा अच्छा, संगीता कपूर, हाँ जी, उनका पहले भी रेस था, अच्छा ठीक है, तो कर लीजिए, भी ले लीजिए, रिचा के जिसका लेना ले लीजिए। हेलो, यस रिचा जी, हेलो रिचा,
थैंक यू, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया रश्मि दीदी ने मुझे, और आज ना बहुत सी चीजों के ना आंसर्स मिल गए हैं. जैसे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि प्रज्ञा मैम को भी पता है कि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है और मेरे बेटे को भी उनसे type 1 diabetes हुआ था जब वो 4 साल का था, और बेटा मेरा 8 साल का है छोटा बेटा. तो बहुत बार ऐसा होता था कि मेरा अपने हस्बैंड को या अपने बेटे को, मतलब जैसे कभी कभी उनमें जैसे वो दिन में 4 बार इंसुलिन लेते हैं या 5 बार इंसुलिन लेते हैं, तो लगता था कि ऐसे कभी कभी बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेशन उनके एंड से रहती थी, या आक्रोश जैसे वो बोल रही थी कि वो रहता था. और कभी कभी बेटा भी कभी कभी एकदम से बहुत ज्यादा जैसे मतलब आक्रोश में आ जाता है. तो वो चीजें ना मतलब मैं बहुत बार एज अ मदर या एज अ वाइफ